जाली बैंक अकाउंट्स का मामला जीआईटी की रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। क्या तफसीलात हैं इसी हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइएगा इस रिपोर्ट के हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट में वाजे ये कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी और इस हवाले से फरियाल तालपुर से मुतालिक तमाम जो मनी ट्रेल थी वो सामने आ चुकी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बिलावल जरदारी ग्रुप और यूनस कदवाई ने फ्रंट कंपनी पार्कलैंड बनाकर कर्जा हासिल किया और इसके साथ साथ 21.22 अरब रुपए की रकम फरियाल तालपुर के अकाउंट में जमा हुई और इसी रकम से बिलावल हाउस कराची और लाहौर और डंडू यार अल आजम में जमीन खरीदी गई, जबकि बिलावल हाउस लाहौर के लिए 17 अरब रुपए अदा किए गए। सिंध बैंक ने ओमनी कंपनी को 24 अरब रुपए कर्ज दिया, जबकि सिंध बैंक के असासे 16 अरब और कानून के मुताबिक 4 अरब रुपए कर्ज दे सकता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिंध बैंक के तमाम कर्जे 49 रीशेड्यूल हुए और इसके साथ साथ 1997 में ओमनी कंपनी तशकील दी गई जिसकी सिर्फ 6 कंपनियां थी, लेकिन आज 2018 में ओमनी ग्रुप की 83 कंपनियां बन चुकी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ओमनी ग्रुप ने ऐसी जमीनें अपने नाम गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल कराई जो कि मंदिरों के लिए मुख्तस थी, अजैब घर के लिए मुख्तस थी और इसके साथ साथ लाइब्रेरी के लिए मुख्तस थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।